हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल कैंपस न्यूज़। दोस्तों आज हम बात करेंगे दिल्ली विश्वविद्यालय की। हाँ दोस्तों, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो DU के ओपन बुक एग्ज़ाम को लेकर चर्चा करने वाले हैं कि आखिर एग्ज़ाम में जो है कितना क्वेश्चन आएगा और आपको जो है कितना क्वेश्चन करना होगा, साथ में ये क्वेश्चन जो है कितने मार्क्स का होगा और साथ में आपको जो है टोटल कितने घंटे कितना समय मिलेगा एग्जाम जो है कर पाएंगे। तो आज हम इसी के ऊपर में चर्चा करेंगे। बाकी अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन दबा लीजिएगा ताकि DU से रिलेटेड सारा अपडेट हमारे चैनल पे आपको मिलता रहे। तो दोस्तों बहुत सारे छात्र हैं, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र हो या फिर थर्ड सेमेस्टर के छात्र हो, बार बार हमसे यही सवाल पूछ रहे थे कि आखिर एग्ज़ाम में जो है कितने क्वेश्चन आएगा और उन्हें जो है कितने क्वेश्चन करने होंगे। तो दोस्तों इसको लेके जो है हम सबसे पहले तो हम ये वेबसाइट पे SOL के ऑफिशियल वेबसाइट जो कि sol.du.ac.in है इस पे चलते हैं और इस पे आके जो है आपको क्वेश्चन पेपर मैं डाउनलोड करके दिखाता हूँ कि आखिर जो है कितने नंबर का जो है क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। DU के रेगुलर कॉलेज के छात्रों को कितने नंबर पूछा जाता है, NCVAP के छात्राओं को कितने पूछा जाता है और जो SOL के छात्र हैं उन्हें जो है कितने नंबर का आएगा। तो यहाँ पे जो है हम सबसे पहले जो है आपको हिंदी का जो है क्वेश्चन पेपर जो है डाउनलोड करके जो है दिखा देते हैं कि आखिर ये जो है कितने क्वेश्चन पूछा गया है और कितने नंबर का है ये। ये दरअसल ये जो क्वेश्चन पेपर है ये DU के रेगुलर कॉलेज के छात्रों का है। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं ये जो है टोटल जो है 75 नंबर का क्वेश्चन पेपर है और इसमें लिखा हुआ है 3 घंटे का। ये जो है सिर्फ DU के रेगुलर कॉलेज के छात्रों के लिए और NCVAP के छात्राओं के लिए है, क्योंकि उनका जो है अटेंडेंस होता है और जो असाइनमेंट होता है उनका जो है 25 नंबर का होता है, इसलिए उनका जो है 75 नंबर का ही जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन अगर आप SOL के छात्र हैं तो पूरे 100 नंबर का जो है आपको पूछा जाएगा। तो इसका जो है ये ध्यान रखिएगा और टोटल जो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा वो जो है 8 क्वेश्चन पूछा जाएगा जो है DU रेगुलर कॉलेज के छात्रों के लिए है। तो ये जो है इसमें 6 ही पूछा जाएगा, इसमें से आपको जो है 4 या 5 करना होगा। और अगर आप SOL के छात्र हैं तो टोटल आपको जो है 5 क्वेश्चन करने होंगे और सभी क्वेश्चन जो होगा वो जो है 20-20 नंबर का होगा और आपको जो है हर एक क्वेश्चन जो है 5 क्वेश्चन जो है करने होंगे और हर एक जो है टोटल 20 नंबर का होगा क्वेश्चन और आपको जो है टोटल 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे या फिर 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें से आपको जो कोई भी 5 क्वेश्चन का जो है जवाब देना होगा। तो ये जो है देख लिया आपने। बाकी अब जो सवाल है कि कितने घंटे का पेपर होगा, तो यहाँ पे जो है 3 घंटे लिखा हुआ है, लेकिन मैं बता दूँ कि जो कुछ दिन जो है गाइडलाइंस DU की तरफ से जारी किया गया था तो उसमें साफ साफ कहा गया था कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो जो है टोटल 4 घंटे का होगा, जिसमें 1 घंटा जो है आप पेपर डाउनलोड करना अपलोड करना होगा और 3 घंटे में जो है आपको आंसर लिखना है। जो विकलांग छात्र या फिर जो है नहीं दे आँख से देख नहीं सकते ऐसे छात्रों के लिए जो है 1 घंटा और एक्स्ट्रा दिया गया है। तो ये है, तो उम्मीद है कि आपको जो है पूरा मामला पता चल गया होगा। बाकी इससे रिलेटेड अगर कोई सवाल है या फिर कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें कॉमेंट करके भी जो है पूछ सकते हैं। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि बाकी लोगों को भी ये इन्फॉर्मेशन पता चल पाए। बाकी शुक्रिया, धन्यवाद।